खबर रोहतास जिले के विक्रम अनुमंडल क्षेत्र के सूर्यपुरा से है, जहां सूर्यपुरा अंचल अधिकारी पर लापरवाही के कई आरोप लगे, जिसमें प्रखंड सूर्यपुरा के मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा अंचल अधिकारी गोल्डी कुमारी पर दाखिल खारिज, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने का कई आरोप लगे। वहीं ग्रामीणों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। आइए सुनते हैं इस पर क्या कुछ कहे मुखिया प्रतिनिधियों ने। ग्राम पंचायत गुसलडी, क्या समस्या आपका? हम लोग का समस्या है कि सीओ साहब द्वारा दाखिल खारिज हो या बंशावली अभी सीओ साहब के कार्यालय से निर्गत किया जा रहा है, उसमें आम जनता हम लोग के पास आता है कि मुखिया जी हमारा काम नहीं होता है। हम लोग जाते हैं वहां मिलने के लिए, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आप लोग समझ जाइए कि जनता के वहां क्या स्थिति होगी, आम पब्लिक को वहां क्या स्थिति होगी। हमारे पंचायत का एक मामला है कि हम DCLR साहब से आदेश करा कर आए हैं उसमें, और उसके लिए लगभग हम जाकर वहां सीओ साहब से 10 बार मिल चुके कि मैडम हमारा DCLR साहब का आदेश है, हमारा रसीद काट लिया जाए। जब जाते हैं तो कहा जाता है कि 2 दिन में मुखिया जी हो जाएगा, नहीं तो आशा मैडम से मिल लीजिए, इस तरह का बात। आशा मैडम कौन है? वहाँ स्टाफ है उनका, सीओ साहब का। मोटेशन का आपका मामला है? हाँ, मोटेशन का, जो DCLR साहब से आदेश करा के आए तभी दाखिल खारिज नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा। कारण क्या है? अब तो कारण सीओ साहब बताएंगे, हम क्या बताएंगे कारण क्या है भाई उसमें। अभी आरोप लगा रहे हैं और भी प्रतिनिधि की पैसा मांगती हैं। तो पैसे के लिए ना नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जब हमारा DCLR साहब से आदेश हो गया है? इसके लिए क्या क्या आप लोग आगे कदम उठा रहे हैं? हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, BDC, सरपंच महोदय लोग अभी हैं, आज एकजुट हुए बैठे हैं, सोमवार को BDO मैडम के सूचना देंगे और 26 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे सीओ कार्यालय के। धन्यवाद। सूरजपुरा सीओ गोल्डी कुमारी द्वारा जन प्रतिनिधि के द्वारा कोई प्रतिष्ठा नहीं देने के कारण हम लोग जनता सभी लोग मिलकर जन प्रतिनिधि एक धरना प्रदर्शन के लिए प्लान बनाए हैं, जो हम लोग सोमवार के दिन BDO मैम को आवेदन देंगे, उसके बाद 26 तारीख को हम लोग सीओ के विरोध जन सभी जनप्रतिनिधि मिलकर आंदोलन करेंगे। क्या मैटर था कि आप लोग का बात बिगड़ गया? मैटर यही था कि जब हम लोग जाते हैं तो किसी नॉर्मल कर्मचारी द्वारा बोला जाता है कि आप बाहर बैठिए, ठीक है ना, हम लोग को बैठना पड़ता है बाहर, कोई प्रतिष्ठा हम लोग का नहीं मिलता है। मेरा खुद एक दाखिल खारिज है जिस पर कहा जाता है कि यदि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो म्यूटेशन नहीं होगा। पैसा किसके द्वारा मांगा जाता है? म्यूटेशन करने के लिए। कौन लेते हैं पैसा? कौन पैसा मांगता है आपसे? नॉर्मल कर्मचारी द्वारा बोल दिया जाता है क्योंकि डायरेक्ट हमसे मिलती नहीं है। पैसा देने पर हो जाता है काम? हाँ, पैसा देने पर हो जाता है। अभी साक्षात में हमारे बलिया पंचायत के मुखिया जी हैं जो कि दिए पैसा और उनका काम उसी दिन हो गया। कितना देर में हुआ था काम उनका? मात्र 15 मिनट में पैसा देने पर काम हो गया? हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयनाथ सिंह है, सूरजपुरा पंचायत का मैं उप मुखिया हूँ। एक चीज और बताइए, कितना पैसा लगभग देना पड़ा? उनका 2 दस्तावेज था, दोनों पर 12,000 रुपए दिए, यानी कि एक मोटेशन के लिए 6,000 रुपया। धन्यवाद। आज जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या रीजन है कि आप लोगों ने सीओ के विपक्ष में एकजुट होकर आवाज उठाई? बैठक करने का ये रीजन है कि हम लोग जब भी सीओ के पास जाते हैं तो उनका भाषा जो है कि आप जाकर बाहर बैठिए, आप वो अंदर नहीं आना है। कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो बिना पैसा का काम का कोई बातें वहां पर नहीं होता है। पैसा दीजिए तो दाखिल खारिज होगा, पैसा दीजिए तो ये सब म्यूटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जन प्रतिनिधि का वहां पर जाने पर कोई वैल्यू नहीं है, आप जाकर बाहर बैठिए, बार बार यही कहा जाता है। आप लोगों ने प्रशासनिक कदम, लीगल वे में क्या कदम उठाए? हम लोग DM साहब के पास आवेदन दिए हैं जाकर के, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए ब्लॉक गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे, BDO मैडम को सोमवार को आवेदन देंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए बैठ जाएंगे। कब धरना है? 26 तारीख को, 26/6/2024। अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार सिंह मुखिया, वर्तमान बलिहार पंचायत, प्रखंड सूरजपुरा।